एक टेस्ट एटलीस्ट इस मंथ में ट्राई करवा देंगे कि एक एक टेस्ट आप लोग दे दो। हाँ भाई हड़बड़ाना मत के भाई। अभी लाइब्रेरी टाइम है, जा रहे हैं लाइब्रेरी, थोड़ा बाहर चाय पियेंगे, शाम का टाइम हो रहा है, रात है लाइब्रेरी से। वापस अंकेश के रूम आ गए हैं। अंकेश अभी है नहीं, घर गया है और इधर अपना सारा सामान ला के रखे हुए हैं। अभी वापस से खाना पीना बनाना है, बहुत स्ट्रगल वाला चल रहा है एकदम, मतलब थोड़ा सा उलझ गया है सब चीज़। कोई नहीं, खाना बनाते हैं जल्दी से, खाना खा के फिर अपने टेबल पे मिलते हैं। हेलो, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशुतोष चौधरी, जो लोग नहीं जानते उनको बता दे, ऐसे जो लोग फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से तो उनको पता है। और मेरा तो अभी थोड़ा सा हाल बेहाल चल रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ जा रहा है, कुछ ऐसे डेविएट हो जा रहा है। मतलब जैसा प्लान बनाया था कि एकदम जुलाई में इस तरीके से सब कुछ अपना डेली रूटीन फॉलो कर लेंगे, जब से जुलाई हुआ है, मतलब वो बोलते हैं ना कभी कभी प्लान के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं हो पाता है, सेम चीज हो रहा है मेरे साथ। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कुछ प्लान बनाया और वो वर्क ही नहीं करा है। मतलब फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से मेरा मतलब पूरा वंटाधार हुआ पड़ा है, कैसे मैनेज कर ले रहे हैं, बस समहाउ मैनेज कर रहे, ये वाला सीन चल रहा है। बट इन सब के बीच में अच्छा है कि हम अपना एक दो रूटीन है वो एकदम फॉलो किए हुए, जैसे लाइब्रेरी जाना, क्लास जाना, बीच में एक दो क्लास मिस हो गया था मेरे से, वो हम मानते हैं, बट हाँ क्लास जाना, क्वांट्स का प्रॉपर जितना सोचे थे उतना तो मेरे से हो जा रहा है, बट LRDI में लुटिया थोड़ा सा डूबा हुआ है जैसे ही बताए थे पहले। VARC का सही चल रहा है, बाकी उसके अलावा थोड़ा सा और भी जो मेरे को एक्स्ट्रा करना होता है, टेस्ट हो गया, ये सब मैं टाइम नहीं दे पा रहा, बहुत एक्स्ट्रा टाइम मेरा बर्बाद हो जा रहा है आने में जाने में, इसलिए अभी ना मेरे को एकदम मतलब क्लास जाके पढ़ना बहुत ये लग रहा है। अभी आप लोग भी जो ट्रेवल करते होंगे, पता नहीं कितना ह्यूमिडिटी, इधर एकदम बारिश हो रहा है बट फिर भी गजब का ह्यूमिडिटी, इतना गर्मी लग रहा है, तो क्लास जाना है ना बहुत मुश्किल लग रहा है। लग रहा है कोई बस ऑनलाइन क्लास करा दे, इनफ है, वहीं से पढ़ लेंगे। इसलिए अभी सजेस्ट करते हैं जो अभी से एकदम ज्वाइन किए, बस क्लास लेना तो ऑनलाइन लेना, एकदम आने जाने वाला सीन मत रखना। इसके अलावा थैंक्स निकिता सिंह नाम है, हाँ निकिता सिंह, जो मेरे को IMS का LRDI का पूरा वो लेक्चर का सीरीज दी है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल दिए, तो थैंक्स टू हर। आप लोग को भी चाहिए तो LRDI का उसमें देख लेना, हम भी फॉलो करेंगे। वो सेंड कर दी ये भी, मतलब मेरे को ढूंढना पड़ता फिर करना पड़ता, तो उसमें हम जो चेक किए प्लेलिस्ट वो पूरा IMS का, और टीचर्स अच्छे हैं तो जिस तरीके से सब दिया हुआ था तो वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब जब वीडियो देखना शुरू किया तो। और देखो क्लास में तो LRDI कर दे, बट एक होता है ना कि जरूरी नहीं कि आप जब जहां पढ़ रहे हो वहीं पे आपको समझ में भी आएगा, जैसे LRDI क्लास में कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं, बट नहीं हो सकता है कि अब यहाँ से देखते देखते मेरे को समझ में आना शुरू हो जाए। तो आप लोग को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो IMS LRDI प्लेलिस्ट, तो उसपे आप लेक्चर, तो आप उस पर क्लिक करना, वो पूरा एक लाइन से वो सीरीज भरा पड़ा हुआ एकदम परफेक्ट, क्या बोलते हैं, लिंक वहां से वो लाके दिए, तो आप लोग भी चेक कर लेना जिनको LRDI में थोड़ा सा इशू आता है या फिर जिनको क्लास चाहिए देखना, आप लोग देख लो, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो और भी सारे ऑप्शन है, हम तो अभी एक दो दिन वो ट्राई करेंगे, शायद हो सकता है कि मेरा LRDI बेटर हो जाए, उसे होप्स हो कि हो जाना चाहिए, अपने से तो अभी नहीं हो पा रहा है और क्लास में भी मेरे से उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पता नहीं शायद वो क्या बोलते हैं, वैसा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सर से, या फिर समझने में मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप नहीं है, या फिर जो भी रीजन रहा हो LRDI। तो बाकी VA में देखो कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अभी सिक्स सेंटेंस टाइप पैराजम्बल्स कंप्लीट होने वाला है मेरा, बट उसको हम वापस से सारा फिर से बनाएंगे, 4, 5, 6 का जो भी है वो सारा से बनाएंगे, क्योंकि वो वन शॉट में बना दिए हैं, मतलब हाँ पढ़ते गए थ्योरी पार्ट पढ़ते गए बना दिए। उसके अलावा फिर अभी RC मेरा बंद है, RC कंप्लीट बंद किए हुए हैं, बट उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसा बताया ना कि भाई एकदम टाइम का तो वट लगा हुआ पड़ा है, बट कोई नहीं। एक चीज और दिखाते हैं, देखो ये एकदम आज से मेरे को लगता है 5-6 वीडियो पहले में ये बताए थे ना कि मेरे को दूसरा प्रैक्टिस सेट मिला है, नंबर एंड सेट थ्योरी, ठीक है, ये देख लो बुक, ये बुक इतना पतला सा है बट इतना खतरनाक बुक है ये नंबर सिस्टम का ना, आज सर इससे कौन पढ़ा रहे थे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, तो क्या था मतलब टॉपिक क्या था, HCF LCM फैक्टर, ये सारी चीजें थी भाई, क्वेश्चन था इतना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, मतलब कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं जो स्टार्टिंग में बचपन से पढ़ते हैं, ये डिवीजन मेथड जो होता है इस तरीके से निकालना, या फिर दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है इस तरीके से, बट भाई क्या मतलब
लेवल था, मानना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम तो कैट लेता है भाई, ये बस नाम का टॉपिक रहता है कि हाँ तुम्हारा 10th का टॉपिक है, बट हाँ जो नहीं पढ़ा है ना 8, 9, 10 उनकी तो लंका लग जाएगी। इसीलिए हम ना जब स्टार्टिंग किए थे तो बस शुरू से बता रहे, हम अभी भी मेरे को टाइम मिलता है, बिलीव करो मेरे को टाइम मिलता है ना हम बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे ना मेरा एकदम ऐसे पिलर ही गिर जाएगा, क्योंकि वो हम बनाए, अगर मेरे से नहीं हुआ था, चुप हो जा भाई चुप हो जा, कुछ नहीं कर सकते, सब तरफ से दिक्कत आ रहा है, बताओ इतना रात में भौंक रहा है। चलो कोई नहीं, तो अभी इस आज पूरा ये किए थे तो मेरे को मजा आ रहा था करने में। अगर देखते हैं अगर अभी मेरे को टाइम मिला भाई, जैसे अब मैसेज करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो फिर भी हम इसका ना कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट, टाइम मिलेगा हम डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देंगे, एक दो आप लोग प्रैक्टिस से ट्राई करना, मजा ही आ जाएगा। और ये तो शायद पहले ये अलग से सीट मिला था, तो ये हम ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, ये आप बना सकते हो। इसका मेरे को सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला, अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो हम सेंड कर देंगे। बाकी देखो इसमें टॉपिक क्या क्या है ये हम बता देते हैं एक बार। अच्छा ये नंबर एंड सेट थ्योरी है, तो बेसिकली वही सारा नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएफ, डिवीजन, साइक्लिसिटी एंड लास्ट टू डिजिट एंड ऑल, यही सारा चीज दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। बेसिकली इसमें क्या ना टॉपिक दे दिए गए, एग्जाम्पल दे दिए गए, उसके बाद जाके प्रैक्टिस सेट दिया गया। और सर बोले कि अगर ये अभी फर्स्ट LOD 1 का है, अगर ये कंप्लीट हो गया ना तो LOD 2 इसका मतलब LOD 2 जो है वो एकदम इजिली बन जाएगा, बट सबसे मेन यही है। तो हम इसमें बहुत ज्यादा, ये बड़ी बुक है नहीं, पतली सी है, बट क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा है, हम इसका बना के आप लोगों को सेंड कर देंगे। आप लोग भी बताओ भाई क्या चल रहा है आप लोगों का, क्या प्रैक्टिस में चल रहा, कहाँ तक गए हो, कहाँ इम्प्रूव करने का जरूरत मेरे को अब मतलब है हमको, जहां तक आप वीडियो लोग तो आप लोग तो देख ही रहे हो कि और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे LRDI के लिए तो अभी एक प्लेलिस्ट आ गया है, VARC में अगर आप लोग के पास कोई अच्छा मटेरियल है ऑनलाइन का, जैसे वो लिंक है या फिर कुछ अच्छे पैसेजेस वगैरह हैं, तो वो लोग आप कमेंट बॉक्स में बता दो या फिर लिंक बता दो, वो हम सबके लिए कर देंगे, सबको हेल्प हो जाएगा। और एक चीज हाँ, जैट का शायद फॉर्म निकल गया, जहां तक आज सर बता रहे थे, जिनको जिनको जैट का फॉर्म भरना है वो भर सकते हो। अभी एक चीज क्या हो रहा है ना, मतलब घर वाले की तरफ से और भी आपके आसपास जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा सजेशन मिलेगा, जो जिन पास आउट है ग्रेजुएशन, जिनका पास आउट है, तो मेरे को अभी मतलब जो भी लोग हैं मेरे को बोलते हैं कि आप तो कैट तो कर ही रहे हो, साथ में आप बैंकिंग का भी फॉर्म भर दो। अब बताओ, मेरा एकदम ऐसे एम था कि कैट कैट कैट, अब इधर से बैंकिंग 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 वाला सीन हो रहा है, तो हम नहीं भर रहे फॉर्म, अब मेरे से नहीं होगा, कैट करेंगे कैट देंगे बाद में, नहीं होना होना वो अलग की बात है, लेकिन हम इसके बीच में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, बैंक का कुछ भी फॉर्म नहीं भर रहे, मेरे को नहीं डेब्यूट होना है, ऐसे मेरे जुलाई में लगा पड़ा है, बहुत ज्यादा डेब्यूट हो गया, उसका फॉर्म भरो। अब उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तो थोड़ा सा सेम ही रहता है, इसमें भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और थोड़ा सा एक और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का कुछ पढ़ना होता है, वो सारी चीजें पढ़ने, बट इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ना वो फिर पाथ चेंज हो जाएगा मेरा, मेरे को मतलब लग गया कि अब इसको ही कर लेते हैं, नहीं करना है मेरे को। अगर आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोग भी कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एकदम फोकस उस पर ही रखो, डेविएशन क्या बोलते हैं, डेविएट होने के लिए बहुत सारी चीजें ही हैं। जॉब अगर जॉब के पर्पज से करना है तब तो फिर डायरेक्ट कैट छोड़ ही दो, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए ही कर लो, या फिर जो भी बैंकिंग का आपका जॉब है वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें चल रही है, बट फिर भी इसके बीच में अपना सब रूटीन, जो जो मेन रूटीन है वो फॉलो किए, बाकी पढ़ने लिखने का थोड़ा सा ऊपर नीचे, टाइमिंग को लेकर बड़ा दिक्कत आ रहा है, हम नोवेल पढ़ना छोड़ दिए है कुछ दिनों से, अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ना अब नोवेल से हम थोड़ा सा ये हो जा रहा है कि ये सब ना एकदम क्या बोलते हैं, रियल स्टोरी जो बोलते हैं ना वैसा है, इसमें कोई भी मतलब एकदम रियलिस्टिक चीजें हैं, इसमें कोई भी अलग से तोड़ जोड़ करके नहीं है। तो अब सोच रहे कि थोड़ा सा ऐसा नोवेल पढ़े ना जो थोड़ा सा साइंस फिक्शन हो, फैंटेसी हो, ऐसा कुछ। अगर आप लोग को कुछ पता है तो मेरे को बताना, बाकी मटेरियल वगैरह को लेके प्लीज बताना मेरे को कुछ लग गया। टेस्ट वगैरह फ्री में अगर आएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं CL को लेके, जैसा हम एक कुछ दिन पहले ग्रुप में डाले थे कि जिनको जिनको टेक्स्ट सॉरी जिनको जिनको टेस्ट देना है वो मेरे को पर्सनली बताना, वो हम अलग से मतलब जैसे भी होगा हम जुगाड़ करके आप लोगों को एक एक टेस्ट एटलीस्ट इस मंथ में ट्राई करवा देंगे, कि एक एक टेस्ट आप लोग दे दो। हाँ भाई हड़बड़ाना मत कि भाई मेरे को पहले दे दो, मेरे को पहले दे दो, पिंग करना हम, क्योंकि मेरे को भी कुछ कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो उसके हिसाब से हम आप लोग को मॉक टेस्ट का कर दिया करेंगे, आप लोग दे दे के फिर भाई जितने आराम से देंगे उतने आराम से भाई वापस भी कर देना, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करना। तो बस अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से कोशिश करते हैं कि कल से फिर से डेली रूटीन फॉलो करेंगे, क्योंकि चीजें अभी थोड़ी ठीक हो गई है,
डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजों के लिंक है जो आपके कैट के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आएगा, तो प्लीज जाके चेक करो। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी मेरे साथ, मतलब जो जो अभी मेरे साथ साथ इंटायर कैट का जर्नी अभी तक यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं और जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, वो सब्सक्राइब बटन दबा के जाओ, और कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में है, टेलीग्राम है, इंस्टा है, प्लीज वहां पे आओ। और कोई भी आपको लग रहा है कि टॉपिक पे हम वीडियो कवर कर सकते हैं तो प्लीज मेरे को बताओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।